वेलकम टू द पाठशाला। हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज। आज हमारा एडजेक्टिव का पार्ट नंबर 6 है, लेकिन आज के दिन कुछ नई बात है क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है लाइव। लाइव सेशन में एक बात का जो है आप लोग ख्याल रखिए कि नीचे आप लोग कमेंट में कोई हाय हेलो ये सर वो सर कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपका नॉर्मल क्लासरूम नहीं है कि आपने वहाँ से हाथ खड़ा करके पूछा कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है, मेरा फेस शेयर नहीं हो रहा है और ना ही मैं आपका फेस देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने स्क्रीन पर फोकस कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ। मैं आपको आखिरी में 3-4 मिनट जो है समय दूंगा जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और फिर कमेंट में मैं आपके जवाब दे दूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब हम लोग ये क्लास यूज करते हैं तो हमें 3 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो तुरंत अप्लाई करना होता है वो आज अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो लाइव सेशन, तो वीडियो को करोगे पॉज तो हो जाओगे लेट। ये जो वीडियोज है ये बाद में भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी देखने के लिए, तो जो लोग जो है थोड़ा बहुत लेट आए हैं वो टेंशन ना लें, स्टार्ट से जो है देख भी सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, जैसा कि जानते हैं कि आप एफर्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और ग्राफ जो रखनी है अपनी स्टडी का कुछ ई के पावर एक्स के हिसाब से रखनी है, और कुछ ये लाइंस मैंने लिख रखी है ताकि आप लोग पढ़ सको और अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर सको कि आपके अंदर एनर्जी है, पोटेंशियल है एग्जाम क्रैक करने का, लापरवाह आप लोग हो, कमी आपके दिमाग में नहीं है, इस बात को आप नोट करके रख लो। ये जो क्लासेस चल रही है जैसे कि ग्रामर की, आज पार्ट नंबर 6 होगी, तो नाउन प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, तब जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज आपको समझ में आती जाएगी। ये जो क्लासेज है वो 20 रुपीज पर मंथ वॉलेंट्री फी पे बेस्ड है, और वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा से, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है ये क्लासेस हेल्पफुल है और क्लासेस बहुत सही से आपको मिल रही है तो आप ये 20 रुपये वॉलेंट्री फी इन पेटीएम नंबर पे पे कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, और देखिए बीच में कोई लोग डिस्टर्ब ना कीजिएगा, मैं आपको 4-5 मिनट आखिरी में दूंगा। तो हमने क्या किया था, इसके पहले 10 तक कर दिया था एग्जेक्टिव के रूल, आज हम रूल नंबर 11 से करेंगे जो है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पहले पढ़िए। गांधी जी वॉज नोबलिस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। यहाँ पे है क्या, जैसे गांधी जी की दो क्वालिटीज़ है, नोबलिस्ट एंड वाइजेस्ट, ये जोड़ी गई है एंड से, तो यहाँ पे आपका जो है ये नाउन है, प्रोनाउन हो सकता है यहाँ पे। तो जब भी नाउन या प्रोनाउन की जो है दो क्वालिटीज़ को किसी कंजक्शन से जोड़ के जो है कंपैरिजन किया जा रहा हो किसी और से, तो ऐसे केसेस में हम ये देखेंगे कि ये जो एंड के साथ या किसी कंजक्शन के साथ जो दो क्वालिटीज हम जोड़ रहे हैं, ये दो की दोनों को जो क्वालिटीज है, जैसे यहाँ पे नोबलेस्ट है और यहाँ पे है वाइजेस्ट, ये दो के दोनों क्वालिटीज सेम डिग्री में हो, जैसे यहाँ पे नोबलेस्ट है और वाइजेस्ट है, गलती से क्या होता है एग्जाम में ये कर दिया जाता है वाइजर, या फिर इसकी जगह कर दिया जाएगा नोबलर, तो ये होता है गलत स्ट्रक्चर। और आगे चल के आप पढ़ोगे पैरेललिज्म, वो बाद का पार्ट है, पैरेललिज्म का आपको ये सिखाया जाएगा जब भी आप कंजक्शन से दो चीज़ जोड़ते हो तो दोनों सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे नोबलेस्ट वाइजस रखोगे या फिर नोबलर वाइजर रखोगे, तो आप या तो सुपरलेटिव रखोगे या तो कंपरेटिव डिग्री रखोगे, और बीच में जो भी आपका कंजक्शन है यहाँ पे जो भी आपका, यहाँ पे जैसे एंड का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर एंड से इस्तेमाल करके दो जो है आप एग्जेक्टिव जोड़ रहे हो तो उनको सुपरलेटिव फॉर्म में जोड़ोगे, कंपरेटिव में। अगर कोई और भी कंजक्शन है जिससे जोड़ रहे हो तो आप हमेशा डिग्री का ख्याल रखोगे कि डिग्री सेम होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये वाला रूल बहुत ईजी है, आपको समझ में आया होगा, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आप लोगों को मेमोराइज कराने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में जब जाओगे ना तो आपको यही सेम पैटर्न मिलेगा कि गांधी जी कोई एक नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके दो जो है क्वालिटीज जुड़ा रहेगा एंड से, और गलती ये कर दी जाएगी वहाँ पे कि एक जो है आपका सुपरलेटिव दे देगा और दूसरा क्या कर देगा, कंपरेटिव कर देगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आप नहीं करोगे गलत। इसके आगे का जो रूल नंबर 12 है ये बहुत ही आसान है, जैसे कुछ वर्ड है रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक, विक्ट, ये सारे के सारे आपके एग्जेक्टिव हैं, लेकिन इन एग्जेक्टिव का इस्तेमाल नाउन की तरह किया जाता है। अगर हम इनके पहले द लगा दें, जैसे द हम बोल दें द रिच या फिर द पुअर, द नीडी, द एज्ड, द ब्लाइंड, द डेड, द मीक, द विक्ट, तो ये जो द रिच है इसका मतलब ये हो जाता है कि पूरे के पूरे रिच लोग, पूरे के पूरे रईस लोग, द पुअर का मतलब हो गया पूरे के पूरे गरीब लोग, द नीडी का मतलब इसी तरीके से हो गया कि सारे के सारे जरूरतमंद लोग, तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाता है नाउन का। नाउन का क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म। जब भी इस तरीके के एग्जेक्टिव के साथ आप द लगाते हो तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो अगर प्लूरल नाउन बन गया और सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल है
तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो वर्ब आए वो प्लूरल रहे, जैसे द रिच यूजुअली एक्सप्लॉयट द पुअर, यहाँ पे सही है क्योंकि एक्सप्लॉयट जो है आपका प्लूरल है, लेकिन अगर यहीं पे एस जोड़ दिया जाए तो ये आपका क्या कर देगा, सिंगुलर कर देगा वर्ब, और वहाँ पे अगर ये चीज़ आप पहचान नहीं पाओगे तो गलती कर बैठोगे। तो इन एग्जेक्टिव के पहले जैसे ही आप द लगाते हो पूरा का पूरा क्लास बताने लगता है और वो हो जाता है हमारा प्लूरल नाउन। उसके साथ हमें जो वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, वर्ब का इस्तेमाल करना होता है प्लूरल, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कभी एस या ई एस लगा हुआ ना मिले, और द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड, यहाँ पे कभी गलती से इज लिख देगा तो ध्यान रखिएगा इज नहीं होगा, प्लूरल जो है वर्ब रहेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये जो है आपका एक तरीके से नाउन और प्लस एग्जेक्टिव का कंबाइंड रूल है, और नाउन में ये चीज़ भी हमने आपको पढ़ाई होगी। रूल नंबर 13 की बात करें, देखो कुछ ऐसे एग्जेक्टिव हैं और कुछ एडवर्ब होते हैं जिन पे कॉमन से रूल अप्लाई होते हैं। तो एडवर्ब तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन रफली यहाँ पे एडवर्ब को समझ लो, फिर जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसे अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि एग्जेक्टिव का काम क्या है, एग्जेक्टिव को जैसे मैंने आपको समझाया है कि ये आपका नाउन हो गया या फिर प्रोनाउन हो गया, इनके ऊपर अगर हमें कुछ मेकअप वगैरह करना है, कुछ जो है इलेबोरेट करना है इसके फेस को, और तो हम एग्जेक्टिव के थ्रू करते हैं, यही करते हैं ना। इसी तरह अगर आपका वर्ब है, अगर आपका एग्जेक्टिव है, खुद में एग्जेक्टिव खुद में है और इनके ऊपर इनका मेकअप वगैरह करना हो तो एडवर्ब के थ्रू करते हैं। इनके लिए जो है एग्जेक्टिव का, वर्ब के लिए एग्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते, एग्जेक्टिव के लिए जो है एग्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते, एग्जेक्टिव के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल करते। कुछ केसेस में नाउन के लिए भी एडवर्ब का इस्तेमाल हो जाता है, वो जब एडवर्ब में पहुंचेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन रूल क्या है कि जो वर्ब को मेकअप करने का काम होता है वो होता है एडवर्ब का, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन, जिससे हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड एंड स्मेल, ये जितने भी वर्ड है आपको ऐसा देख के नहीं लग रहा है इन वर्ड्स को पढ़ के कि इनसे हम किसी ना किसी चीज़ को, जैसे कोई वस्तु सामने रख दी जाए तो इन्हीं के थ्रू हम इस पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर वस्तु के विषय में जान पाते हैं, उसके विषय में अनुभव कर पाते हैं। सारे के सारे जो वर्ब है एक तरीके से हमें सेंस दे रहे होते, तो इसलिए इनको बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड एंड स्मेल, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखिए। वैसे इसको सेंस से समझ लीजिए तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपके वर्ब आते हैं अगर किसी पर्टिकुलर थिंग की, किसी चीज़ की जो है अगर अनुभव या हमें फील दे रहे होते हैं तो उनको बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो वर्ब को मेकअप करने का काम है एडवर्ब का, लेकिन ये जो वर्ब है वर्ब ऑफ सेंसेशन, इनको मेकअप एडवर्ब नहीं करता, इनको कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया ही फील्स बैडली, ये जो फील है ये इसी में वर्ड है ना आपका, फील, फील मतलब किसी को अनुभव कर रहे हैं। बैडली जो बैड होता है वो आपका एग्जेक्टिव होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप एग्जेक्टिव में एल वाई जोड़ते हो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो ये जो बैड में एल वाई जोड़े हो ये बन गया है एडवर्ब। तो ही फील्स बैडली, वो बुरा फील कर रहा है, तो ये एडवर्ब से हमने क्या किया है, मेकअप किया है फील का। ही फील्स बैड होगा सिर्फ, एग्जेक्टिव का इस्तेमाल होगा। इसमें तो थोड़ा हमें पढ़ने में जो है लग जाता है कि कुछ आड़ा टेढ़ा लग रहा है तो हम गलती पकड़ जाते हैं, लेकिन अगर नीचे वाला जैसे एक एग्जांपल लिया है द सूप स्मेल्स डिलीशियसली, तो आपको ना इसमें रिदम नहीं टूटेगा आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपका रिदम नहीं टूटता है तो आप गलती करते हो। द सूप स्मेल्स डिलीशियसली, डिलीशियस आपका एग्जेक्टिव होता है, जो ये एल वाई है ये लग के एडवर्ब बना हुआ, तो आपको यहाँ से एल वाई हटाना पड़ेगा क्योंकि स्मेल आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन है, किसी को हम अनुभव कर रहे होते हैं एक तरीके से। तो द सूप स्मेल्स डिलीशियस ये आपका होगा। तो याद रखिएगा ये जितने भी वर्ड हैं सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड एंड स्मेल, इनके बाद एग्जेक्टिव आता है। बाद बोले तो इनको जो मॉडिफाई करता है, इनके लिए जो मेकअप का काम करता है वो एग्जेक्टिव करता है, एडवर्ब नहीं करता है। इसी तरह कुछ वर्ड्स और होते हैं, जैसे बी बोले, बीकम बोले, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव, ये भी सारे जो वर्ब हैं इनको मॉडिफाई करने का काम एग्जेक्टिव करता है, एडवर्ब नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, रूल याद करना। आप जब एडवर्ब में पहुंचेंगे तो भी इसको पढ़ेंगे तो वहां पे एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। व्हेन ही हियर द न्यूज़ ही बिकम सैड, कभी कभी लिख के आता है सैडली तो ये गलत होगा। व्हेन ही हियर द न्यूज़ ही बिकम सैड, बिकम आपका देखिए ये वर्ड है, तो ये वर्ड्स आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा 3-4-5 बार पढ़ के, लेकिन रट्टा मत मारिएगा, बार बार रिवाइज करोगे ये वर्ड्स याद रह जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस मिलेंगे तो चीज़ें याद रह जाती है। इसके बाद रूल नंबर 14 की बात करेंगे, ये नाउन को लेके और एग्जेक्टिव को लेके कॉमन रूल्स है, इट मीन्स है कि इसको हमने नाउन में पढ़ा होगा। आपको याद होगा कि नाउन में आपने पढ़ा होगा हाइपनेटेड नाउन, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि हाइपनेटेड नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हाइपनेटेड या फिर कंपाउंड एग्जेक्टिव की तरह वर्क करते हैं,
तो यहां पे भी सिर्फ वही रूल है कि उनका आप क्या करते हो, प्लूरल नहीं बनाते हो। जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल है, आई डिलीवर्ड 2 आवर्स लेक्चर। ये एग्जांपल कॉमन है, नाउन में भी मैंने यही लिया है और यहां दोबारा समझाने के लिए भी मैंने वही लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो लेक्चर था वो 2 घंटे का था, 2 घंटे का था, तो लेक्चर की विशेषता बता रहा है कि 2 घंटे, ये जो वर्ड है लेक्चर का मेकअप कर रहा है कि लेक्चर तो है लेकिन कैसा था, 2 घंटे का था। तो ये 2 आवर, यहां पे लगेगा एक हाइफन, ये हटाया जाएगा एस, इसको आप हाइफनेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करोगे, आई डिलीवर 2 आवर लेक्चर। दूसरा है, ही गेव मी 200 रुपीज नोट। देखो 100 जो नोट था वो 200 का था, तो ये रुपीज नहीं लगाओगे, 200 रुपी लगाओगे। तो ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता है जो आपका हाइपनेटेड या कंपाउंड एग्जेक्टिव होता है। तो अगर कोई नाउन आपका हाइपनेटेड या कंपाउंड एग्जेक्टिव की तरह वर्क कर रहा हो तो उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई नाउन आपका अगर वो एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो, कुछ नाउन एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो अगर नाउन एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो तो हम नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम में आया हुआ है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। देखो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि आँख की सर्जरी, पहले तो इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य, कि जो लेजर है वो आई सर्जरी के लिए जो है अनिवार्य होते हैं। ये आईज हमने प्लूरल फॉर्म में रखा है, तो जो सर्जरी है होनी है वो किसकी होनी है, आँख की होनी है। तो सर्जरी को ये आई जो है एक तरीके से एग्जेक्टिव का काम करके मतलब मॉडिफाई कर रहा है कि सर्जरी होनी है, किसकी होनी है, आँख की होनी है। तो यहाँ पे हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं रखते हैं, हम क्या रखते हैं, सिंपली आई। तो जब भी आप नाउन का इस्तेमाल एग्जेक्टिव की तरह कर रहे होते हो तो आप इसको सिंगुलर फॉर्म में रख के करते हो। तो ये रहा रूल नंबर 14, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। रूल नंबर 15 है, ये 2 वर्ड्स को लेके है, ऑल और बॉथ को लेके। इनके साथ इस्तेमाल करना होता है हमें पोजेसिव एग्जेक्टिव, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कभी भी पोजेसिव एग्जेक्टिव हम इन दोनों के पहले नहीं रखते, ये गलत तरीका होता है, हमको इनके बाद रखना होता है, ये सही तरीका होता है। जैसे यहां पे हमने लिया है, इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, माई ऑल फ्रेंड्स हैव, सॉरी ये बॉट नहीं होगा, गॉट सेलेक्टेड, मेरे सारे दोस्त जो है सेलेक्ट हो गए। तो हमें देख के लग नहीं रहा होगा कोई गलती है, लेकिन यहां पे गलती है। गलती क्या है, ये जो ऑल है ये पहला आना चाहिए, माई जो है बाद में आना चाहिए। All my friends have got selected. My both friends, both of my friends लगना चाहिए, both of my friends are fighting. सारे मेरे दोस्त जो है लड़ रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। रूल नंबर 16 है, अब जैसे यहां पे है both friends, यहाँ पे आप कहोगे कि सर दो के लिए both का इस्तेमाल किया जाए। देखो both, अगर both दो के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो सीन क्या है, सीन ये है कि जो फ्रेंड्स है अगर दो हैं तो भी आपको एस तो लगाना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं आप बात हमारी, दो भी प्लूरल होता है आपका। तो फ्रेंड यहाँ पे जब हम आगे बॉथ लगा दिए, इसका मतलब है कि हम दो ही फ्रेंड की बात कर रहे हैं। बॉथ ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब ये हो गया कि मेरे दोनों फ्रेंड लड़ रहे हैं, दो से ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। दो के लिए भी आप फ्रेंड को फ्रेंड्स ही लिखोगे, सिर्फ फ्रेंड नहीं लिख पाओगे। रूल नंबर 16 है, ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के यूज को लेके है। कभी कभी क्या होता है कि हमें सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री को भी इस्तेमाल करना होता है और कंपैरेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल करना होता है। तो अगर हमें पॉजिटिव डिग्री का और कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ इस्तेमाल करना हो तो हम पॉजिटिव डिग्री को, जैसे आप जानते हो, एज एज के बीच में या सो एज के बीच में रख के करते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे आप पॉजिटिव डिग्री, एज एज लगाएंगे या फिर सो एज लगाएंगे, और जो कंपैरेटिव डिग्री होता है इसके बाद देन भी आप सेंटेंस में यूज करोगे। जैसे यहाँ पे है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, यहाँ पे एज एज के बीच में आपने क्या रखा, इंटेलिजेंट रखा। इफ़ नॉट मोर देन हिज ब्रदर, ये मोर जो है आपका कंपेरेटिव का काम करता है, देन इसलिए यहाँ पे लगाया। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप पॉजिटिव कंपेरेटिव दोनों एक साथ यूज कर रहे हो तो पॉजिटिव को एज एज के बीच में या सो एज के बीच में रखोगे, कंपेरेटिव के साथ आप देन लगाओगे। यहाँ पे मतलब ये है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर, अगर वो अपने भाई से ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है तो कम से कम उसके बराबर ब्रिलियंट है, ये सेंटेंस का मतलब है। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव कंपेरेटिव जब भी यूज करना हो तो इसको एज एज, सो एज के बीच में, कंपेरेटिव के बाद देन का इस्तेमाल करोगे। एक यहाँ पे एक सिंगल वर्ड्स को लेकर रूल है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, जो आपका वर्ड्स होता है टाइम्स, टाइम के साथ आप कभी भी ध्यान रखिएगा कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन योर्स, माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स होता है, तो बिगर देन गलत है, इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में रखना पड़ेगा। इसके साथ आप कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हो टाइम्स के साथ, याद रखिएगा इस रूल को। फिर नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 17,
यहाँ पे देखिए रूल नंबर 17 कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको सेंटेंस में इस तरीके से मिले मोस्ट का इस्तेमाल हो और ईएसटी का, या फिर मोर का इस्तेमाल हो और ईआर का इस्तेमाल हो, तो मोस्ट और ईएसटी, मोर और ईआर, इसका मतलब ये हुआ कि या तो दो सुपरलेटिव इस्तेमाल कर रहे हो या तो दो कंपरेटिव इस्तेमाल कर रहे हो, तो डबल सुपरलेटिव या डबल कंपरेटिव का इस्तेमाल करना गलत होता है। ये इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि एग्जामिनर ये जान सके कि आपको पता है किसी वर्ड के साथ ईएसटी लगाने के बाद वो सुपरलेटिव हो गया, अब उसको और सुपरलेटिव नहीं बना जा सकता है। अगर ईआर लगा दिया तो आपने उसे कंपरेटिव बना दिया, तो उसके साथ मोर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं थोड़ा सा लिख दूँ मोर और यहाँ पे मोस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आप एग्जाम में जब भी आपको मोस्ट साथ में ईएसटी भी मिले एग्जेक्टिव के पहले और एग्जेक्टिव के बाद में साथ में बोले, तो जैसे क्लेवर आपका हो गया, ईएसटी जोड़ा आपने, इसे सुपरलेटिव बनाया, फिर मोस्ट भी लगा दिया, तो ये फॉर्म गलत होता है, तो आपको मोस्ट हटाना होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो वर्ड है उसमें ईएसटी लगा के बनाते हैं या फिर मोस्ट लगा के उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। सेम केस जो है आपका कंपरेटिव के साथ है, जैसे बैड का जो है बेटर होता है, मोर यहाँ पे लगाना गलत है, तो दिस इज बेटर देन दैट। तो ये एग्जाम में इस तरीके का सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछा जाता है और इस तरीके की गलतियाँ रखी जाती है। एक और कॉमन सी चीज़ होती है कि कभी कभी क्या होता है ना कि डबल कंपरेटिव का इस्तेमाल होता है, जैसे ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, तो यहाँ पे सीनियर का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे जो है मोर एक्सपीरियंस का इस्तेमाल हुआ, तो ये जैसे सीनियर है तो सीनियर के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा और मोर एक्सपीरियंस ये कंपरेटिव, तो इसके बाद देन लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी अगर दो एग्जेक्टिव इस्तेमाल हो और उनके बाद अगर प्रीपोजिशन आना है तो मतलब आना है, जैसे सीनियर के साथ आप टू लेते हो तो आपको टू लेना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस के साथ जैसे मोर एक्सपीरियंस है तो देन यहाँ पे लेते हो मोर के साथ, मोर एक्सपीरियंस कंपरेटिव डिग्री के साथ, तो देन लेना पड़ेगा। तो अगर डबल कंपरेटिव है तो दोनों जगह आपको प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा, अगर टू की जरूरत है टू, देन की जरूरत है तो देन। तो ये रहे आज के कुछ कॉमन रूल, तकरीबन 5-6 और इंपॉर्टेंट रूल रह गए हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में 1x1 करके पूछ सकते हो, जो कमेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है मुझे रिप्लाई देने लायक है मैं आपको वहीं रिप्लाई दूंगा, जो है आपके पास 3 से लेके 4 मिनट तक है और इसके बाद ये जो है लाइव सेशन एंड हो जाएगा।